हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ जो अनशन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है? देखिए, जिस तरह से गौ हत्यारों को बचाने के लिए निर्दोष हिंदुओं को कुचला गया है चिंगरावटी कांड में, बुलंदशहर में जो ये हत्याकांड हुआ उसमें जो निर्दोष हिंदुओं को कुचला गया है, उसके विरोध में सुमित को न्याय दिलवाने के लिए, निर्दोषों के दमन चक्र को रुकवाने के लिए और जीतू फौजी के सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं यहाँ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। तो आपसे अभी तक कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं आए, लेकिन वो छोटे अधिकारी थे जो इसमें सक्षम नहीं थे। अभी किसी बड़े अधिकारी ने मुझसे कोई बात नहीं की। और भी हम देख रहे हैं आपके साथ महात्मा है जी, स्वामी जी मेरा समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ इसमें। तो ये जो आप जो बैठे हैं जिन मुद्दों पे, तो आप इसमें मतलब क्या चाहते हैं, मतलब कब तक बैठे रहेंगे? मैं जब तक ये मुद्दे सॉल्व नहीं होते जब तक बैठा रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने के लिए तैयार होकर आया हूँ। मुझे आप क्या चाहते हैं, मतलब आपसे कौन बात करे, या मतलब आप जो भी सरकार में जो भी इन मुद्दों को हल कर सके, चाहे वो योगी हो, चाहे योगी का कोई नुमाइंदा हो, चाहे यहाँ का डीएम हो, जो भी मुझसे आश्वासन दे सके कि ये मुद्दे हल होंगे, वो मेरे से बात करें। कल जो अधिकारी आए उन्होंने क्या कमिट किया? उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, उन्होंने केवल ये कहा कि मैं यहाँ से अनशन से उठ जाऊँ। उन्होंने कहा हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। रोज गाँवों में जा रहे हैं और उन्होंने कई गाँव उजाड़ रखे हैं, कई गाँवों में मर्द के नाम पर एक भी आदमी नहीं है हिंदुओं में, और वहाँ पूरा एक तरह तांडव उनका पुलिस का मचा हुआ है। तो उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है जब तक वो दमन चक्र नहीं रोकते। तो आप मतलब यहाँ तब तक बैठे हैं जब तक आप जो आप अनशन पे रहेंगे तब तक खत्म नहीं हो जाता पूरा प्रक्रिया? जी लोग नहीं मानेंगे जी, मैं जब तक बैठा रहूंगा। यति नरसिम्हानंद महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी जो बातें हैं जो नहीं सुन ली जाएंगी, या जिस तरह से अभी माहौल है वो पूरा शांत नहीं हो जाएगा, प्रशासन उसमें अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाएगा, तो ये यहाँ बैठे रहेंगे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।